बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मॉम किचन। आज मॉम्स किचन में बन रही है चिकन कढ़ाई, बहुत ही मजे की बनती है, चटपटी सी चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। चले आए देखते हैं चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले मैंने चिकन को वॉश करके अच्छे से धोकर रख लिया था, ठीक है। और ये जो लेग पीस है इनमें मैंने थोड़े से कट लगा लिए थे, ये देखिए, ठीक है। और ये अदरक और लहसुन का को मैंने चॉप्ड कर लिया है, जो है चॉपर में, अदरक लहसुन और प्याजों को, इनको मैंने पेस्ट नहीं बनाया, एक ही साथ इनको चॉप्ड कर लिया था। दो अदद बड़े बड़े टमाटर मैंने इस कटिंग में रफ कटिंग में काट लिए हैं। तीन अदद सब्ज मिर्चे ली हैं। अब हम 1 टेबलस्पून सूख मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून में डालूंगी चिकन टिक्का मसाला, ठीक है जी। चिकन टिक्का मसाला में डालूंगी 1 टीस्पून, 2 अदद सब्ज इलायची डालूंगी, क्योंकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो नहीं रहेगी, ठीक है। ये 2 अदद मैंने सब्ज इलायची डाल दी है। 1/4 टीस्पून में जीरा डालूंगी, 2 दालचीनी के टुकड़े डालूंगी, मैं बड़ी इलायची नहीं डाल रही, ठीक है। इसमें मैंने हस्बे जरूरत आयल डाल दिया है, में कोई पानी कोई कुछ नहीं जाएगा। अब इसको मैं दम पर रख दूंगी, ये दम में ही गलेगा गोश्त और दम में ही पकेगी ये चिकन कढ़ाई, और 5 से 10 मिनट हम इससे दम देंगे और उसके बाद फिर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और 5 से 10 मिनट बाद फिर दोबारा आपसे मिलती हूँ। अच्छा जी, ये देखे हमारे चिकन ने अपना ही पानी इसमें छोड़ा था और उसी में ही ये इतना अच्छा नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। अभी ये ऑयल छोड़ रहा है और हम अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे 5 से 10 मिनट, और फिर उसके बाद हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो जाएगी। चटपट से बनने वाली ये चिकन कढ़ाई है। ये थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली है और इसमें कोई मसाला जात वगैरह एक्स्ट्रा नहीं चाहेंगे। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो है चिकन कढ़ाई मैंने आपको रेसिपी दी है। आप घी डालें, ऑयल डालें, ये आप पे डिपेंड करता है, जो चीज आपको पसंद है आप वो डालिएगा। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो फिर चिकन कढ़ाई को और ही 4 चांद लग जाएंगे। ये 1 सब्ज मिर्च डाल दी थी, जितनी आप ग्रेवी रखाना चाहते हैं, जितना आप मसाला रखना चाहते हैं कढ़ाई में, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आपको पसंद है।
साइड से ये इसकी ड्राइवर की साइडिंग साफ करते जाइए ताकि साइडों से ये जले ना। अच्छा जी, हमारी अब चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चिकन ऑयल छोड़ना शुरू हो चुका है। एक से दो मिनट के लिए सिर्फ अभी हम और इसकी बुनाई करेंगे और फिर इसके बाद फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, डिश आउट करती हूँ। ये देखिए ऑयल, चिकन ने ऑयल अब छोड़ दिया है, ठीक है जी। इसका मतलब है हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। चलिए ठीक है, मैं अब आपके साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ डिश आउट करके। अच्छा जी, ये देखिए हमारी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी है और कितनी मजे की लग रही है। आप भी एक दफा जरूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक जरूर देना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।